ठीक है, मक्का और क्या लगा है मम्मी हवा है पीठ में, देखो अरे देखो लुक एट मी फॉग लगा हुआ है, देखो बादल ही नीचे आ गए। हेलो हेलो हेलो, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी बढ़िया हैं, मस्त हैं। सो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं मंदिर, और आज मंडे है तो सावन के सोमवार चले हैं, तो मेरा एज़ यूजुअल फास्ट है। और आज हम जाने वाले अपनी ईस्ट देव के मंदिर पूजा करने के लिए। तो नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ, हम लोगों को जितना जल्दी हो सके निकलना है। अभी बज रहे हैं 8 और अभी को भी मैंने नहला दिया है। बाकी मैं अभी घर वालों से, बाकी घर के सदस्यों से अभी मैं आपको मिलाती हूँ। और बाहर मौसम हाल इतना, मतलब जब हम सुबह उठे ना तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो हम सोचे थे कि हम कैसे जाएंगे, लेकिन फिर अभी बारिश रुक गई है। मतलब यहाँ बारिश कभी भी हो जाती है, तो बारिश अभी रुक गई है। तो हम लोग फटाफट से रेडी होंगे, अब हमें 9 बजे तक निकलना है। तो मैं आपको घर के सदस्यों से मिलाती हूँ कि बाकी सदस्य क्या कर रहे हैं घर के। अभी और मम्मी है यहाँ पे और फ़ोन में वो ट्रैवलिंग व्लॉग देख रहे हैं जो हमने ट्रैवल किया था। अभी तो नहा धो के बिल्कुल, मम्मी ने पहले ही नहा लिया है। और बाहर मौसम मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा हो रहा है। तो बाहर आप देख सकते हो, अभी तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, अभी तो मौसम ठीक हो गया है। क्या पता हम जब मंदिर जाएँ तो तब तक मौसम खुल भी जाए। उस साइड देख सकते हैं आप, फॉग लगा हुआ है, देखो बादल ही नीचे आ गए। और ये हमारी ककड़ी की बेल। सो गाइज, अब हम लोग होने लगे हैं रेडी, मेरे बाल भी सूख चुके हैं। और मैं आज मंदिर जा रही हूँ, तो एज़ यूजुअल मैं इंडियन वेयर ही पहनूंगी। तो मैं पहनने वाली हूँ आज सूट, मैं आज पहनने वाली हूँ ये वाला सूट, और ये मेरा एज़ यूजुअल मंदिर जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इसलिए के लिए रेडी हो चुके हैं। अभी को देख सकते हैं, अभी इधर देखो, लुक एट मी, लुक एट मी, इधर कम यार। खुद से बड़ा तो उसने बैग पकड़ लिया, इसमें सामान्य मंदिर में ले जाने के लिए। मम्मी ने पहनी है आज हरी कलर की साड़ी और मैंने पहनी है आज हरी कलर की चूड़ियाँ। सो हम लोग रेडी होके जाने लगे हैं, और आज मैंने पहनी हरी कलर की चूड़ियाँ, क्योंकि सावन है तो हरा तो पहनना बनता है। मेरे पास हरा सूट नहीं था, इसलिए रेड कलर का डाला और हरी कलर की चूड़ियाँ। हम लोग उतर चुके हैं गाड़ी से, और रवि को देखो, वो हर किसी के गेट में जाके कुछ ना कुछ कर रहा है। जाओ जाओ, अभी आगे डॉगी अंदर से आओ ना, रास्ते भर इसका ड्रामा ही चलने में है, जल्दी आओ। तो जैसा कि आपने देख लिया था, अभी मेरी बात सुन ही नहीं रहा था, कभी भी कहीं पे भी चला जाता था। फिर आखिरकार मिस्टर जी ने अभी का हाथ पकड़ा और वो उसको लेके चल रहे हैं, और मम्मी चल रहे हैं आगे आगे हमारे। हैं, आ जाओ, किसको? खेतों से होते हुए हम लोग जाने लगे हैं मंदिर को, और खेतों में लगे मक्के। मक्का और क्या लगा मम्मी? ये है भट, जो दाल होती है, और बाकी ये सारा घास फूस है गायों के लिए। और अभी अपने पापा से पूरे रास्ते पर पता नहीं क्या क्या बातें करते हुए आ रहे हैं, और सब पूछ रहे हैं अपने पापा जी से, ये क्या है, ये क्या है। और पूरी ग्रीनरी आप देख सकते हैं। अभी मैं चल रही हूँ आगे आगे, फिर मम्मी, फिर मिस्टर जी। अपने आप को भी फ्लॉन्ट करना बनता है, क्योंकि मैं अपने आप को व्लॉगिंग में दिखाना ही भूल जाती हूँ। चलो हम पहुँच गए, अभी कहाँ पहुँचे हम? मंदिर पे। चलो पापा जी से बोलो मुझे बैल बजाओ, उठाओ बोलो मुझे। हाँ उठा रहे हैं पापा जी, उठा रहे हैं आपको। मंदिर के अंदर प्रवेश ले लिया है,
तो हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके थे और हमसे पहले यहाँ बहुत से भक्तगण पहुँच चुके थे और उनकी पूजा भी चल रही थी। तो हम आ चुके हैं अपने इष्ट देव के मंदिर महाकाली के मंदिर। सावन का महीना है तो लोग इस महीने में ज़्यादा श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। वैसे तो कोई ऐसा स्पेशल महीना नहीं होता कि आप पूजा पाठ करें, लेकिन सावन के महीने में लोग ज़्यादातर मंदिरों में जाते हैं। और यहाँ पे एक ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई थी कि जब भी पूजा या आरती हो रही थी तो ये बजाने वाला सिस्टम था। और मंदिर में अच्छे बच्चे की तरह अभी बैठ चुका था मम्मी की गोद में और देख रहा था वो उस मशीन को। जयंती मंगला कहाँ जीते रहो, हाँ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा शिवा शिवा धात्री सुहा सुधा नमोस्तु। प्रार्थना करिया सुरा सुरा सरिते देवी सिद्ध गंधर्व सेविते जगत माभे देवी त्राही मा शरणं। चलो हम लोग एक मंदिर से वापस आके अभी दूसरे मंदिर जा रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मज़ा आ रहा है। मौसम ने भी अभी तक साथ दिया है कि बारिश नहीं हुई है, बादल लगे हुए हैं। कर ले जल्दी, चलो जल्दी। हमारे पीछे ग्रीनरी ऐसी दिख रही है। हम मंदिर के वहाँ पहुँच चुके हैं, अपने जूते चप्पल उतारिए सब, अभी जल्दी उतारो। गुड, अभी देख रहा है कि क्या है क्या नहीं है। अभी हाथ नहीं लगाना बाबू, ओ देखो आगे भगवान जी। अभी तो बस उसे मंदिर में पहुंचा नहीं कि उसे घंटी चाहिए होती है, उसको बैल बजा दो एक बार, वहाँ पे भी बोल रहा था उसको बैल बजाने में बहुत अच्छा लगता है। बैल बजा दो ना अभी से। ओ ओ ओ वाली, जल्दी बजाओ जल्दी बजाओ। गुड, माता रानी। हेलो माता रानी। हेलो प्रणाम माता रानी। यहाँ से बोलो, ऐसे माता रानी को बोलो। बोलो दादी माँ के वहाँ बैठ के बोलो। अब बोलो माता रानी प्रणाम, बोलो माता रानी प्रणाम। बैठो ना, बैठो बोलो। तो हम जैसे ही अंदर आए तो मम्मी ने दिया जलाया, धूप जलाया, मतलब टीका वगैरह सब कुछ कर लिया था। और अभी तो बस बैल के ही पीछे पड़ा हुआ था, उसको बस बैल में जाने की। हम वहाँ पे जितने भी आरती कर रहे थे क्या, उसका ध्यान सिर्फ घंटी पे ही था। अक्कल देना, जोर से बोलो अक्कल देना, अच्छी बुद्धि देना, अच्छी बुद्धि देना। मैं पढ़ाई करूँगा, शैतानी नहीं करूँगा। बोलो शैतानी नहीं करूँगा, पढ़ाई करूँगा, कहना मारूंगा सबका, मैं जल्दी वापस आऊँगा। ये क्या ड्रामा है आपका? अभी बजाते हैं तो अभी को मंदिर में हर जगह हाथ लगाना है, उसे ये भी बैल चाहिए वो भी बैल चाहिए। अभी प्रसाद जय जय, हाँ चलो आरती करेंगे, आरती करनी है अभी, चलो देखते हैं। झुक के जल्दी कर, अच्छे चलो। तो पूजा हमारी बहुत अच्छे से संपन्न हो गई और
हम जाने लगे हैं अब घर को। कितनी बातें कर रहे हो अभी आप, कितनी बातें करते हुए आते हो बाबू? हमको शर्म नहीं आ रही है, दादी माँ के बुच्ची में लगा हुआ है पीठ में, देखो। ओए बेशरम, अभी जी आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो आप? कुछ तो कर रहे हो, आप चल क्यों नहीं रहे हो? अब इसने सीखा बुच्ची लगना, पहले बुच्ची लगना आता था इसे। कैसे, वही तो कह रही हूँ, घर आते आते जो रोया था है, क्लोज करना है अभी, करो फिर क्लोज। हाँ गुड गुड गुड। अरे गाइस, हम लोग चीनू दीदी के घर जा रहे हैं, चीनू दीदी के घर जा रहे हैं। तो हम अब जा रहे हैं अपने मायके, आज वहाँ पे है कीर्तन, उसके बाद हम वहीं रहेंगे और कल हम फिर से निकलेंगे मंदिर के लिए। तो अभी सबसे पहले चलते हैं मेरे मायके, अभी गुड मेरा बाबू। दिखा अभी आपको, अभी को दिखाई ना, देख रहा हो रहा स्काई में, देखो देखा एरोप्लेन है, देख दो चला गया, देखा। हम जाने लगे थे मेरे मायके और पापा और मम्मी हमें आते वक्त मार्केट में ही मिल गए, क्योंकि मम्मी और पापा को कुछ काम था मार्केट में, तो हम लोग साथ में ही घर को आए और हमें बीच में गाड़ी रोकनी पड़ी क्योंकि एरोप्लेन चल रहा था। अभी को दिखाने के लिए मेरे पास बैठे हैं दोनों मम्मी आपस में बात कर रहे थे और मैं कैमरा इधर उधर घुमा के उन लोगों को मतलब ब्लॉग में ले रही थी। अभी को एज यूजुअल पापा ने पकड़ा था और मिस्टर जी चला रहे थे यहाँ पे कार, जिन्होंने हमें पहुँचाया था घर। खेलो खेलो बजाने वाला है, बोलने वाला नहीं है वो। बंदों की ड्यूटी लग चुकी है तीनों बच्चों को खाना खिलाने की। जल्दी आओ जल्दी आओ, कमान कौन खाएगा जल्दी से। अरे अरे ये देखो ऐसे फिनिश कर लेते, जल्दी जल्दी। हाँ गुड गुड, देखा ऐसे खाते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट। अच्छा पानी ले जाओ। सो गाइज, हमारा खाना बन चुका है, आप लोग भी इनवाइटेड है, प्लीज़ आ जाइए। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ढेर सारा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।